सो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे सब लोग? होपफुली आप सब लोग बढ़िया होंगे और आगे की वीडियो में गाइस बढ़िया है ना। तो यार जो अपन लोग एक बार दोबारा से खेलने जा रहे हैं लैक, यानी कि सस्ता GTA 5, वो भी किसके अंदर गाइस? अपने मोबाइल के अंदर। और अभी अपने अपने पैसे वाले रूम में आ रखे थे मैंने, यार आज पैसे गिने तो मेरे को पता लगा कि गिन ही नहीं पाया मैं पैसे। और लास्ट में यार आपको पता ही होगा यार, मेरा शेयर मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैसे का लॉस हुआ था। और तब से यार ये टीवी भी नहीं चल रही मेरे को, ना लग रहा है नई टीवी लगवानी पड़ेगी। उसके अलावा यार मैंने इधर कुछ ही नहीं बदला। और गाइस आपको याद ही होगा यार, लास्ट एपिसोड में अपन ने एक गोल्डन कार ली थी जिसके लिए मैंने सोचा था कि पार्किंग बनाएंगे, तो भी नहीं यार। सबसे पहले तो यार ये सुबह करनी पड़ेगी, नहीं तो यार फर्श है ऐसे चमकता रहेगा। तो सर्वर ऑप्शन और ये हो गया गाइस डे। तो गाइस सामने की तरफ में आप देख सकते हो यार, मैंने इधर रेलिंग लगवा दी और साथ ही साथ में गाइस इधर अपने वही सोल्जर है NPCs। यार ये वाले ना स्पेशल सोल्जर हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मतलब रेयर सोल्जर हैं ये। और फिलहाल है ना यार काफ़ी जल्दी मैंने इधर यार हेलीकॉप्टर वगैरह का भी बंदोबस्त करेंगे यार, अगर आते हैं तो। फिलहाल तो है ना यार मैंने जब ये वाली गाड़ी मंगाई है ना भाई, ये वाली गाड़ी की ना मतलब जब मैंने इसको मंगाया ना, काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर खर्चा हो चुका है मेरा, काफ़ी ज़्यादा भाई, क्योंकि मैंने इसको फुल्ली टू फुल्ली अपग्रेड करा लिया। अभी मैं आपको इसका इंटीरियर दिखा देता हूँ एक बार, तो गाइस आप इसका इंटीरियर देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा मतलब कहर है, कहर बरसा देगा गाइस ये वाला इंजन आराम से, ड्रिफ्टे मारते यार ये, ड्रिफ्ट तो अभी नहीं मारेगा। भाई भाई भाई, भाई, भाई। एक तो गोल्डन है ना, कुछ कर भी नहीं सकता गाइस, बहुत कम चलाऊंगा इसको। फिलहाल तो यार मैं सोच रहा हूँ ना एक और गाड़ी मंगा ही ली जाए यार गोल्डन, क्योंकि पैसों की तो कमी नहीं है अपने पास में। तो मैं सोच रहा हूँ ना एक है ना जो वो मारोक थी ना यार, मतलब अपनी एकदम जो अभी तक रेयर थी काफ़ी ज़्यादा, तो वो मंगाई जाए यार। फिलहाल मैं अपने बंदे को जानबूझ के कभी कभार गिराता होता हूँ ताकि इसके भी ना कम से कम दिमाग के अंदर चोट अट जाए। और गाइस मैंने ना इधर ऊपर NPCs की आर्मी लगा दी गाइस, देख सकते हो यार आप। मैंने सोचा हर जगह पे ना सिक्योरिटी रहनी चाहिए, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा मतलब सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान देते हुए फिर मैंने इधर भी लगाए। फिर मैंने कहा यार इधर तो रहने देते पैसे वाले एरिया में, क्योंकि कल का पता चले यार अपने ही घर वाले जने अपने घर से पैसे उठाने लग गए तो फिर माड़ा लगेगा, अगर पैसे उठा लेते क्योंकि पैसे की ज़रूरत है। और मैं अभी ना इसी से ही सारे का सारा पेमेंट करने वाला हूँ, इन्वेंट्री में अपने एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके गाइस काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं, ठीक है। तो अभी इधर फटाफट से ना यार मैं चलता हूँ गाड़ी लेने के लिए। तो गाइस अभी ना यार मैंने किंग वाली को तो एक बार भेज दिया और मैंने अभी इधर मंगा लिया गाइस अपनी एकदम है ना मतलब गजब सी एकदम, मतलब मैंने मैंने अभी किंग को भी बेचा नहीं है और मैंने इसको भी नहीं बेचा, मेरे पास में अभी दो गोल्डन कार्स है। और मैंने किंग वाली को तो ना एक बारी ऑफिस वाली साइड पर भेज दिया, मैंने कहा एक बार ऑफिस वाली साइड चली जाना क्योंकि मैंने इधर से एक और ऑफिस खरीद लिया। तो फिर मैंने उसके बाद में अभी तो ये वाले ऑफिस मतलब घर के अंदर मैंने ये वाली गाड़ी रखी है स्पेशली, वो मैंने ऑफिस के अंदर खड़ी रखी है। और कभी टाइम मिला ना तो गाइस मैं आपको मेरे ऑफिस भी लेके जाऊंगा। और फिलहाल यार मैंने ना ये ना एक नया सा इधर एक टापू सा बना ली छोटा सा, और मैंने इधर सोचा ना यार इधर है ना काफ़ी जल्द मैंने यार इधर ही अपने पूरी एक सिटी बना लेंगे। अभी तो यार विचार ही चल रहा है सिटी वगैरह बनाने का। फिलहाल तो मैंने इधर ना यार ये रेलिंग वगैरह भी लगवा दी है और काफ़ी सारी चीज़ें वगैरह मतलब मैंने कराई है। अभी यार मेरा मन तो कर रहा है यार कि ना एक है ना अलग से है ना, पहले तो यार मैं ये टीवी से ही कराऊंगा इस, ठहरो एक तो पहले तो मैकेनिक को फ़ोन लगाएं। तो गैस टीवी की तो जायब अब भी रही हो रखी, ये नहीं टीवी चलने वाला गया, इस नया ही मंगाना पड़ेगा यार, काफ़ी ज़्यादा महंगा आने वाला है नया वाला टीवी जो कि आएगा, क्योंकि यार मैं अब इससे ना बड़ा टीवी मंगाने वाला हूँ। अरे मेरा भी विचार चल रहा है ना यार एकदम, मैंने एक और है ना एक रूम बना लूँ यार इसके पीछे भी, जैसे अभी एक तो अपन ने पूरा का पूरा पैसों से बना रखा है, एक का अपने अंदर घर है और एक अपना ऐसे ही मतलब ठीक ठाक टाइम पास रूम है। अभी ना अपने आर्मी के बंदे भी कम हो रहे हैं क्योंकि मैंने थोड़ा मेरे पे बहुत भयंकर वाली फाइट होने वाली है मेरे किसी के साथ में।
तेरा वो देखते भाई क्या करने वाले हैं यार, क्योंकि अभी उनका मैसेज तो मेरे पास में आ चुका है कि हम तुम्हारे घर पे आ रहे हैं। तो भी यार बहुत गंदे वाले मतलब लड़ाई होने वाली, तो मैं सोच रहा हूँ यार कि अपने ना वेपन्स वगैरह मेरे पास में पड़े तो हैं, और मेरे सोल्जर्स भी इनको छोड़ने वाले नहीं हैं, सीधी सी बात बताऊँ तो बस वही सोच रहा हूँ यार कि क्या करूँ क्या करूँ क्या ना करूँ। इधर से बिल्कुल फिर पैसे उठा लेते हैं बस, कि पैसे कमी जोड़ने हैं तो बस यार उधर का ही सोच रहा हूँ भाई क्या होएगा क्या नहीं होगा देखते हैं गाइस। तो गाइस अभी ना मैं यार ऊपर से नीचे आ रहा था, और मेरे को काफ़ी ज़्यादा गोलियों की, ये क्या हुआ गाइस, मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा तेज गोलियों के बाद आ रहे थे गाइस, ये क्या हो गया। एक सेकंड यार, ये अपने बंदे तो हैं गाइस, यार ये अपने बंदे हैं, इनको किन्ने मार दिया अब गाइस, उनमें से यार कोई भी जाना जिंदा ही नहीं बचा भाई साहब, मतलब सब बंदे मर गए। और अपने एक सेकंड ना यार, ये वाले गार्ड जिंदा रह गए, ऊपर वाले गार्ड भी जिंदा, नीचे वाले सारे कैसे मर गए गाइस। ठहरे यार मैं अभी ना कॉल करके एक पता करता हूँ यार, ऊपर वालों में से किसी से पूछ के आता हूँ। फिलहाल तो यार मेरे को इधर है ना लेटर वगैरह का बंदोबस्त करना पड़ेगा ताकि मैं ऊपर भी जा सकूँ। अब यार सबसे पहले तो यार यही चीज़ पता करते हैं भाई मेरे, अचानक से यार इतने सारे सोल्जर कैसे मर गए। लेकिन यार ये वाले सोल्जर थे भी फर्जी, तो मैं सोच रहा हूँ ना यार एकदम नए फ्रेश सोल्जर लगवा दिए गए। लेकिन यार एक चीज़ नहीं समझ आ रही यार मेरे, अचानक से यार ये सारे सोल्जर्स कैसे मर गए, मेरे को गोलियों की आवाज़ आ रही थी लगातार, जैसे है ना बहुत खतरनाक वाली गन चल रही है, बहुत खतरनाक है, इससे भी तेज, जैसे ये चल रही है ना गोलियाँ, इससे भी तेज गोलियों की चलने की आवाज़ आ रही थी। अब ये नहीं पता वो आवाज़ आ कहाँ से रही थी, पता लग गया ना तो फिर मैं पता कर लूँ चल अब तो क्या पानी में। तो वैसे अभी ना मैं कॉल करके ना फटाफट से ना इधर आर्मी को बुलाता हूँ। तो गाइस अभी ना मैंने इधर एक जगह की सिक्योरिटी नहीं, मैंने अभी इधर ना तीन जनों की सिक्योरिटी मंगाई है, तो अभी आप देख सकते हो। और भाई ये बंदे ना एक दूसरे के ऊपर चले जाते हैं, निकल नीचे। तो गाइस अभी आप बंदे देख सकते हो यार इधर कितने ज़्यादा खड़े हो चुके हैं। अब मेरे ख्याल से मेरे को फीलिंग नहीं आ रही, अब कुछ नहीं मरने वाला है। और अभी के लिए गाइस इतना ही यार बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और यार नेक्स्ट एपिसोड में आपको एक चीज़ देखने को मिलने वाली है, क्योंकि मैं इस आइलैंड को है ना बड़ा करने वाला हूँ, काफ़ी बड़ा करने वाला हूँ। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए इतने, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।